व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ये कैनेडियन साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जिसका नाम है पाई बकेट, जो कि सन 2017 में रिलीज हुई थी। पाई बकेट की आईएमडीबी रेटिंग है 5.8 out of 10 और ये मूवी को डायरेक्ट किए हैं एडम मैकडोनाल्ड ने, जो कि एक डायरेक्टर और राइटर होने के साथ साथ एक एक्टर भी है। मूवी में एक माँ और बेटी का रिलेशनशिप के साथ साथ ब्लैक मैजिक और जादू टोना जैसा इविल चीज़ों के परिणाम के बारे में भी दर्शाया गया है। कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। So without wasting any further time, let's start the video. मूवी के शुरुआत में हम लोग जंगल के अंदर किसी लड़की को कुछ लाइंस चैंट करते हुए सुन पाते हैं, जैसे मानो कोई काला जादू या कोई रिचुअल चल रहा हो। फिर सीन कट होकर हमें मूवी के दो मेन कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, मिसेस रेयस और उनकी बेटी लिया। हाल ही में ही लिया के पिता का देहांत हो गया था, जिनको खोने का दुख से वो लोग अभी तक उबर नहीं पाए थे, जिसकी वजह से माँ और बेटी के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। बात बात पर उन लोगों में बहस होता था। लिया की माँ अपने हस्बैंड को खोने के बाद पूरी तरह मेंटली टूट गई थी और खुद के साथ साथ वो अपनी बेटी का भी ध्यान नहीं रख पा रही थी। इस तरफ लिया अपनी स्कूल और अपने दोस्तों को ही अपनी दुनिया मान ली थी। उसका दिमाग धीरे धीरे इविल चीज़ें जैसे कि ब्लैक मैजिक या जादू टोना की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, जिसमें मेन रीज़न था उसका दोस्त लोग। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो लोग घंटों तक क्लाउड म्यूजिक सुनना, अजीब अजीब ब्लैक मैजिक रिलेटेड बुक्स पढ़ना या डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स के बारे में बात करते थे। लिया के टोटल 3 फ्रेंड्स थे, जेनिस, एरन एंड रॉब। एरन और लिया एक दूसरे को मन ही मन पसंद करते थे। एक दिन लिया के स्कूल में एक फेमस अकल स्पेशलिस्ट रोवनडोव अपना एक बुक ब्लैक रिवर ब्लैक मैजिक के साइनिंग के लिए आए थे, जो कि ब्लैक मैजिक के ऊपर ही बेस्ड था। लिया बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर उनसे मिलती है और अपना बुक साइन करके लाती है, और उसके बाद वो अपने दोस्तों से मिलने चली जाती है। उसी रात जब वो घर लौटती है, उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी और वो पूछती है कि वो इतनी रात तक कहाँ थी, और वो लिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है क्योंकि लिया उनसे झूठ बोलने लगी थी। इस बात को लेकर माँ और बेटी के बीच में बहुत ही ज़्यादा बहस होता है। उसकी माँ बोलती है कि यह घर उनकी हस्बैंड की कब्र जैसा लग रहा है और वो जितना दिन ये घर में रहेंगे वो ये दुख से बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो घर को बेचकर कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट करने के लिए ऑलरेडी डिसाइड कर लिए थे। ये बात सुन के लिया अपनी माँ के ऊपर और भी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि घर चेंज करना मतलब अपना स्कूल और अपने दोस्तों को छोड़ देना, जो कि वो अभी इमेजिन भी नहीं कर सकती। वो अपने रूम में जाती है और गुस्से से हाथ पैर मार के रोती हुई सो जाती है। नेक्स्ट डे मिसेस रेयस लिया को लेकर अपने नए वाले घर देखने जाते हैं, जो कि एक रूरल एरिया में जंगल के अंदर था, जहां आसपास और कोई घर भी नहीं था। जाते टाइम वो लिया का फेस देख के बोलते हैं कि लिया ये साल अपने पुराने स्कूल में पढ़ सकती है, नेक्स्ट ईयर वो लोग स्कूल चेंज कर देंगे। कुछ दिन बाद वो लोग नए वाले घर में शिफ्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस रेयस लिया को उसके स्कूल में छोड़ के आते हैं, और जब स्कूल ख़त्म होता है तो वो फिर से उसको लेने आते हैं, जो कि लिया को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि लिया को स्कूल के बाद अपने दोस्तों के साथ कुछ टाइम बिताना अच्छा लगता था। लिया कार के अंदर घुस के दरवाजा को जोर से बंद करती है, जिस बात को लेकर माँ और बेटी में फिर से बहस होता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। मिसेस रेयस लिया के दोस्तों को लूज़र भी बोलती है, जिस बात को लिया ले नहीं पाती और अपनी आपा खो बैठती है और कुछ ऐसा करने के बारे में सोचती है जिसका हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो गुस्से में ये भी बोलती है कि काश आप मर गए होते और पापा जिंदा होते। फिर वो अपने रूम में चली जाती है और एक किताब निकाल के काला जादू और कुछ रिचुअल्स के बारे में पढ़ने लगती है। गुस्सा उसको इस तरह से काबू कर लिया था कि वो देख ही नहीं पा रही थी कि क्या सही है और क्या गलत। वो एक कॉपी में उस काला जादू से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखने लगती है और एक शैतानी चित्र भी बनाती है। फिर वो वॉशरूम जाके अपनी माँ के कुछ बाल, एक लाल धागा, एक बर्तन, दूध और एक चाकू लेके जंगल के अंदर चली जाती है। उसको कुछ आइडिया भी नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही थी। वो जंगल में एक जगह सिलेक्ट करती है और एक पत्थर उठा के एक पेड़ में 3 बार मारती है और कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। वो लाल धागा को कुछ पेड़ में बांध के एक सर्कल बनाती है और नीचे ज़मीन में वो चाकू से एक निशान बनाती है। फिर एक परफ्यूम निकाल के अपने माथे पर एक क्रॉस बनाती है और बोलती है कि पाई वॉकेट, आई इन्वाइट यू टू कम। फिर वो बर्तन में दूध डाल के काला जादू से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलाती है और वो चाकू से अपना हाथ काट के अपने खून उसमें मिलाती है। हाथ काटते टाइम हम लोग उसके फेस पे डर, तनाव और हिचकिचाहट साफ देख पा रहे थे। ये सब उसका गुस्सा था जो उसको ये सब करने के लिए मजबूर कर रहा था। फिर वो ज़मीन में एक छेद करती है और उसमें अपनी माँ का बाल और वो खून मिला हुआ दूध को डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल देती है और पाई बकेट का नाम 3 बार लेती है। और वो पत्थर उठा के वही सेम पेड़ में 3 बार मारती है। शायद इसका मतलब वो रिचुअल कंप्लीट हो गया था।
गाइस आप लोगों को अगर अभी तक समझ नहीं आया कि वो ये सब कर क्यों रही थी, तो मैं आपको बता दूं कि वो अपनी ही माँ का डेथ विश लेके पाइवकेट नाम की एक चुड़ैल को बुलाई थी। मतलब वो काला जादू का सारा लेकर अपनी खुद की ही माँ को मारने के लिए ये सब की थी, जस्ट बिकॉज उसकी माँ उसको उसके दोस्तों से अलग कर दी थी और अपनी लाइफ जीने नहीं दे रही थी। रिचुअल कंप्लीट होने तक शाम हो गया था और उसके हाथ से भी बहुत खून निकल रहा था। उसको एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है कि वो वहाँ पे अकेली नहीं है। वो तेज़ी से घर वापस आती है और आते टाइम वो एक बार पीछे मुड़ के देखती है और किसी अनजान आकृति को पेट के पास देख पाती है। वो एकदम से डर जाती है और भाग के घर के अंदर चली जाती है। घर में जाके वो फ्रेश होकर डिनर के लिए आती है, तभी अचानक उसके हाथ से खून निकल के डिनर प्लेट के ऊपर गिरता है। उसकी माँ दौड़ के आके उसको बेसिन के पास ले जाती है और वो घाव को साफ करके उसमें मलहम पट्टी कर देती है और अपनी पिछली बिहेवियर के लिए माफ़ी भी मांगती है। लिया एकदम से कन्फ्यूज हो जाती है। गाइस मिसेस रेस एक बुरी माँ नहीं थी, बट अपने हस्बैंड को खोने के दुख से वो इतनी ज़्यादा टूट गई थी, इसीलिए वो अपनी बेटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज था उसको कुछ समय के लिए भूल गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग लिया जब नींद से उठती है, देखती है कि उनका फ्रंट गेट ओपन है और फ्लोर में बहुत सारे मिट्टी पड़ा हुआ है। देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बाहर से अंदर आया हो। वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अपनी माँ देखने से पहले उसको साफ कर देती है। उसी दिन लिया और उसकी माँ टाउन में एक टॉय स्टोर में जाते हैं, जहाँ उसकी माँ जॉब के लिए अप्लाई करती है। मिसेस रेयस को वो जॉब मिल जाती है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। लिया के प्रति उनका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया था और ये बात लिया को खाए जा रही थी। उसको अभी धीरे धीरे गिल्टी फील होने लगा था। फिर कार से वो लोग जब घर वापस आ रहे थे, तभी अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग मरते मरते बच जाते हैं। लिया को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि ये ब्लैक मैजिक अपना काम करना शुरू कर दिया है। उसकी माँ फिर से उसको पिछले बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और लिया की गिल्ट धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। उसी रात सोते टाइम अचानक लिया किसी का आवाज़ सुन के उठ जाती है। उसको एटिक में कोई भागने जैसा आवाज़ आता है। वो तीन बार नॉक होने का आवाज़ भी सुन पाती है, जैसे वो पत्थर से पेड़ के ऊपर किया था। लिया डर के अपने माँ के पास चली जाती है और बोलती है कि एटिक में कोई है। मिसेस रेयस आके एटिक चेक करते हैं, बट उन्हें कोई नहीं मिलता। फिर आधी रात को हम लोग लिया के बेडरूम के दीवार में एक काला साया को देख पाते हैं, जो कि एक चुड़ैल जैसा दिख रही थी। और पहले तो वो दीवार के ऊपर बैठी हुई थी, बट वो धीरे धीरे नीचे उतरती है और लिया के बहुत करीब आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिया नींद से उठती है और खुद को जंगल के अंदर पाती है और उसकी हाथ से भी बहुत खून निकल रहा था। वो डर के घर के तरफ भागती है और अपने आप को साफ करती है। लिया ये सब बातों को अपने अंदर रख नहीं पाती और उसी दिन स्कूल में वो अपने दोस्तों को सब बता देती है कि कैसे उसने अपनी माँ को मारने के लिए ब्लैक मैजिक किया है और उसके बाद जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रहे हैं वो भी। रॉब ये सब सुन के लिया को बहुत बुरा भला सुनाता है, बट जेनिस बोलती है कि वो लिया के घर आके वो सब एक्टिविटीज़ को अपने आंखों से देखना चाहती है। स्कूल खत्म होने के बाद मिसेस रेयस जब लिया को लेने आते हैं, तब जेनिस भी उनके साथ वो रात लिया के घर रहने चली जाती है। रात को डिनर के बाद वो लोग जब बाहर वीट पीने जाते हैं, तब जेनिस वो जगह के बारे में पूछती है जहां लिया ने वो ब्लैक मैजिक किया था। थोड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद लिया उसे जंगल में उस जगह पे ले जाती है। वहां जाके अचानक जेनिस को कुछ हो जाता है और वो लिया को एक टक देखने लगती है। लिया घबरा के ये मजाक बंद करने बोलती है, तब जेनिस अचानक पीछे मुड़ जाती है और जंगल के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने लगती है। लिया चिल्ला के उसे रुकने बोलती है, बट जेनिस नहीं रुकती। लिया बार बार जेनिस का नाम पुकार के उसे वापस आने बोलती है, बट जेनिस कहीं पे भी नजर नहीं आ रही थी। तब लिया डर के वहां से वापस जा ही रही थी, तभी अचानक जेनिस जंगल के अंदर से हंस के वापस आ जाती है और बोलती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। फिर दोनों घर वापस लौट आते हैं। रात को सोते टाइम हम लोग फिर से किसी आकृति को जेनिस के करीब जाते हुए देख पाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस रेयस आके लिया को नींद से उठाते हैं और बोलते हैं कि जेनिस घर पे नहीं है। उनको थोड़ा अजीब लग रहा था कि जेनिस किसी को बिना कुछ बोले ऐसे कैसे चली गई, बट लिया को पता था कि कुछ तो गलत है और वो सब जगह उसे ढूंढने लगती है। तभी मिसेस रेयस देखते हैं कि जेनिस उनके कार के अंदर एकदम सेमी हुई बैठी हुई है। जब वो लोग कार के पास जाके उसे बाहर निकलने बोलते हैं, तब वो रोते हुए एकदम चिल्ला के बोलती है कि प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। लिया की माँ उसे खाना खा के जाने बोलते हैं, तो वो बोलती है कि वो उस घर में दोबारा कभी नहीं जाएगा और वो एक ही बात बोलती रहती है कि प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो। तो लिया और उसकी माँ जेनिस को घर छोड़ के आते हैं। लिया को समझ नहीं आ रहा था कि रात में जेनिस ऐसे क्या देख ली कि वो इतनी डरी हुई है। उसके बाद लिया नोटिस करती है कि जेनिस और स्कूल भी नहीं आ रही है। वो उसे बहुत मैसेज भी करती है, पर जेनिस उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती। मिसेस रेयस जेनिस की मॉम से जब ये बात पूछते हैं, वो बोलते हैं कि जेनिस जब से उनके घर से आई है, वो खुद को एक कमरे में बंद करके रखी है। लिया पागल जैसी हो गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे वो राइटर रोबिन डोप के बारे में याद आता है, तो वो जल्दी से जाके उनके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करती है। रोबिन लिया से वीडियो कॉल में बातें करते हैं और लिया उन्हें सारी बातें बताती है।
रोबिन बोलते हैं कि ये सबको एक नदी की तरह समझ लो। वो चुड़ैल नदी के उस पार थी, बट जब तुमने ये ब्लैक मैजिक किया तब तुम एक ब्रिज का काम किया, मतलब तुम्हारे सहारे वो नदी के इस पार, मतलब हमारे दुनिया में आ गई है। अब इसका परिणाम बहुत ही खतरनाक है। ये सब शुरू तुमसे हुआ है और ख़त्म भी तुमसे ही होगा, बट ये सबको रोकने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। लिया को वो सब रिचुअल एग्जैक्टली वैसे ही फिर से करना होगा, बट रिवर्स में, और रिचुअल के हर स्टेज में उसको माफ़ी मांगना पड़ेगा। रोबिन ये भी बताते हैं कि पाइवाकेट एक मैनिपुलेटिव चुड़ैल है, वो किसी का भी रूप ले सकती है, तो तुम जो भी अपने आंखों से देखो वो सबके ऊपर भरोसा मत करना। लिया तुरंत घर आके वो सारे रिचुअल के सामान को इकट्ठा करके फिर से जंगल के अंदर चली जाती है, बट जाते टाइम उसे उसकी माँ पीछे से जोर जोर से उसकी नाम पकड़ते हुए सुन पाती है। बट लिया रोबिन का बात याद करके नहीं रुकती और उसी जगह पे पहुंच जाती है जहां वो पहले रिचुअल की थी। इस बार सब चीज़ें करते टाइम रिया के हाथ कांप रहे थे और वो बहुत घबराई हुई थी। लिया जब वो लाल धागा को बांधने जा ही रही थी तभी अचानक वो थोड़ी दूर में किसी की डेड बॉडी देख के डर जाती है। घबराते हुए जब वो पास जाती है और जो देखती है गाइज, उसका रूह कांप जाती है, क्योंकि वो डेड बॉडी और किसी की नहीं, उसकी माँ की ही थी। और वो बॉडी को देख के ऐसा लग रहा था कि उनकी मौत बहुत दिन पहले हो गई थी। इसका मतलब ये था कि जो औरत इतना दिन से लिया के साथ रह रही थी वो कौन थी। लिया रोते हुए तुरंत 911 पे कॉल करती है और बोलती है कि उसकी माँ को किसी ने मार दिया है, और वो चाकू को पकड़ के उसी पेड़ के पास बैठ जाती है। उसे बहुत अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और वो अपना बॉयफ्रेंड एरन को भी कॉल करके वहाँ आने बोलती है। कुछ देर बाद एरन का मैसेज आता है कि वो उनके घर के सामने खड़ा है। लिया दौड़ के अपने घर की तरफ चली जाती है, बट वहाँ एरन उसे कहीं पर भी नज़र नहीं आता। और वो मोबाइल चेक करती है और देखती है कि एरन ने उसे कोई भी मैसेज नहीं किया है, वो मैसेज उसने खुद ही किया है। मतलब वो चुड़ैल अब लिया के दिमाग के साथ भी खेल रही थी। तभी वो अचानक अपनी माँ को खिड़की के सामने खड़ी देख के डर जाती है। वो डरती हुई घर के अंदर चली जाती है, बट उसकी माँ का बर्ताव बदला हुआ लग रहा था। लिया को अब समझ आ गया था कि ये उसकी माँ नहीं है, वो चुड़ैल बेस बदल के उसके साथ रह रही है। वो दौड़ के अपने रूम में चली जाती है और अंदर से बंद कर देती है। तभी उसकी माँ वहाँ आके उसे बहुत अजीब तरीके से दरवाज़ा खोलने बोलती है, बट वो नहीं खोलती। फिर उसकी माँ चिल्ला के दरवाज़ा खोलने बोलती है और पीट पीट के वो दरवाज़ा तोड़ देती है। और गाइस, अब वो चुड़ैल अपनी असली रूप में आ गई थी, जो कि बहुत ही भयानक था। लिया खिड़की तोड़ के खुद नीचे कूद जाती है और बाहर एक पेड़ के पास छुप जाती है, और वह चुड़ैल को घर से बाहर आती हुई देख पाती है, जो कि हाथ और पैर से नीचे रेंगती हुई लिया की तरफ बढ़ती है। लिया फिर से दौड़ के घर के अंदर चली जाती है और एटिक में छुप जाती है। उसकी माँ उसका पीछा करते हुए एटिक में पहुँच जाती है, और जब वो एटिक का दरवाज़ा खोलती है हम लोग देख पाते हैं कि वो पूरा नॉर्मल है। वो लिया के पास जाके उसे चाकू लेते हैं और उसे नीचे लाते हैं। लिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है। वो भी कन्विंस हो गई थी कि जिस डेड बॉडी वो जंगल में देखी थी वो उसकी माँ की थी, और ये औरत वो चुड़ैली है। वो रात को उठ के गाड़ी से पेट्रोल निकालती है और अपने माँ के रूम में जाके उनके ऊपर पेट्रोल डाल देती है। लिया की माँ उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, बट लिया आग लगा देती है और उसकी माँ आग में तड़प तड़प कर एक दर्दनाक मौत मरते हैं। उसके बाद आग पूरा घर में फैल जाता है, और तभी वहाँ एरन पहुँचता है और वो देखता है कि पूरा घर आग में जल रहा है, और वो लिया को नीचे बेहोश पाता है। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं लिया को, जो कि पुलिस स्टेशन में बैठी हुई थी। पुलिस अधिकारी बोलते हैं कि छानबीन करने के बाद भी उन्हें जंगल में कोई भी डेड बॉडी नहीं मिला है, उन्हें सिर्फ एक ही डेड बॉडी मिला है, वो भी उनके घर से पूरा जला हुआ। लिया वहाँ पे एकदम दंग होके बैठी हुई थी और उसके पास ये सब का कोई भी जवाब नहीं था, और यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, ये थी पाइवाकेट की हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई नो कि आप सबके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे, गाइज मूवी में लिया ने जंगल में जो डेड बॉडी देखी थी वो असल में उसकी माँ की नहीं थी, उसकी माँ कभी मरी ही नहीं थी। जैसे रोबिन बोले थे कि वो चुड़ैल एक मैनिपुलेटिव चुड़ैल है, वो लिया के दिमाग के साथ खेल के उसे ट्रिक करके उसके ही हाथों से उसके माँ को ही मरवा दिया। ये कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि अक्सर जब हम दुख को हमारे ऊपर हावी होने देते हैं तो हम अच्छे बुरे सही और गलत में अंतर करना भूल जाते हैं। वल्नरेबल होने से हमारे मन में डार्कनेस इतनी बढ़ जाती है कि पहले जिन चीज़ों से हमें सुकून मिलती थी अब वही हमें परेशान करने लगती है। दुख हमें हथियार बना सकती है, खुद के खिलाफ और दूसरे के खिलाफ भी, इसलिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहानी हमें यह भी बताती है कि लाइफ और डेथ ये दोनों हमारे एग्जिस्टेंस का एक लौता सच है। हमें अपने करीबी के डेथ के दुख को धीरे धीरे भुलाकर लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा।
हर दिन लोग अपने दुख का सामना करने के लिए या हार्ड सिचुएशन से बचने के लिए ड्रग्स, शराब, सेक्स या एड्रेनालिन वगैरह का सहारा लेते हैं। कभी कभी ये चीज़ें उनके जीवन या उनके आसपास के लोगों के जीवन को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, और यहाँ दुख का सामना करने और डेथ को एक्सेप्ट करने में भी लिया बिल्कुल असफल हो जाती है, और वो ऐसे रास्ते में भटक जाती है जहाँ वो रियलिटी और फैंटेसी को एक समझने लगती है। इस वजह से अल्टीमेटली उसकी और उसकी माँ की ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। सो गाइज, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ब्लैक मैजिक के बारे में आप क्या सोचते हैं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड टेक केयर।